नाम स्वामी ओमजी है। मैं नई दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूंसी से मैं उम्मीदवार हूँ। बांसुरी मेरा चुनाव चिन्ह है और हिंदू महासभा से ही पहले गोलवलकर जी पहले हिंदू महासभा में थे, वहाँ से चूँकि वीर सावरकर जी का गोलवलकर जी की दोस्ती थी और वीर सावरकर जी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, इस बात पे गोलवलकर जी ने आरएसएस बनाया और हिंदू महासभा अलग रही। ओके, ये जो आपकी पार्टी है हिंदू महासभा, हाँ, पार्टी का चुनाव चिन्ह अलग है, आपने खुद बीजेपी का टोपी पहने हैं, तो ये क्या चल रहा है आपके इस मन में? बीजेपी तो हमारी अपनी पार्टी है और 2004 से लेकर के 2014 तक मैं और मेरी हिंदू महासभा हम लोगों ने पूरे भारत में मोदी जी के लिए काम किया। आपको एक घटना याद होगी, आप लोगों ने भी लाइव टेलीकास्ट किया था पिछले 8 जून को जब भाजपा का चल रहा था राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा में, तो वहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया था कि आडवाणी जी हमको प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो मैंने मोदी जी को ये कहा था कि आप एक घंटे के बाद कोई भी चैनल खोल लेना। आपने कहा था? ये मैंने कहा था, ये रिकॉर्ड है और भाजपा के सारे रिकॉर्ड में भी है ये। और हमने इमीडिएटली, हमारी एक और सेना भी है ओम जी हिंदू सेना के नाम से। ओके, ये जो आप प्रत्याशी हो, हाँ, आप इलेक्शन में खड़े हो, हाँ, आपके वॉलंटियर रहना चाहिए, आपके 7-10 लोग रहना चाहिए, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा है, आजू बाजू में बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए, इलेक्शन का प्रचार का काम टाइम खत्म हो चुका है और मेरे एक पार्टी का मैं और ग्लोबल एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ जिसका नाम है ओजस्वी पार्टी। ओजस्वी पार्टी का मैं ग्लोबल एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ जो आसाराम बापू और नारायण साईं की पार्टी है, क्योंकि वो दोनों जेल में हैं, इसीलिए उस पार्टी की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर में है। दिल्ली में मेरे 8 लाख शिष्य हैं बापू जी के, वो घर घर में घूम चुके हैं केजरीवाल के खिलाफ। हिंदू महासभा के मेरे जो 10 लाख वर्कर हैं वो घर घर में घूम चुके हैं। आपने देखा होगा रामपाल के साथ में जो हुआ था। आप अगर आप इतने बड़े नेता हो, हाँ, आपके जो पार्टी के जो भी हो, हाँ, आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसे क्या हम समझे कि आप केजरीवाल और कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़े हो? 101% केजरीवाल और कांग्रेस का जमाना जब्त कराने के लिए हम खड़े हैं और बीजेपी के नूपुर शर्मा को हम जिताने के लिए खड़े हैं, किरण बेदी मुख्यमंत्री बनाने के लिए खड़े हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार इस इलेक्शन में नई दिल्ली क्षेत्र से केजरीवाल का तो हम जमानत जब्त कराएंगे ही कराएंगे, पहले तो फिर भी 28 सीटों पर आ गई थी, इस बार हम 8 सीटों पर भी नहीं आने देंगे। इतनी तैयारी सिर्फ मेरे अपने वर्कर्स के थ्रू हम कर चुके हैं। लोग अगर आपको वोट देंगे तो बीजेपी की वोट कटेगी नहीं? ऐसा है, मेरे जो वोटर हैं उनको ऑलरेडी हमने SMS के जरिए ये मैसेज दे रखा है कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए कि बीजेपी को वोट दें। मेरे वोटर और मेरे फॉलोअर्स अलग है, मैंने जैसे आपको बताया कि 18 लाख 10 लाख तो ये तो आपको फायदा करेगा ना, बीजेपी को नुकसान करेगा? नहीं, बीजेपी को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। देखिए मेरे जो वोटर हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, मेरे वोटर पहले संजोग बस चूंकि कांग्रेस को वोट दे रहे थे आम आदमी पार्टी से पहले, वो अब कांग्रेस को वोट नहीं दे करके मुझे वोट देंगे जिसे कांग्रेस का वोट खत्म होगा। Okay. उसके बाद कुछ लोग, चूंकि कांग्रेस ने बापूजी को फंसाया था तो कुछ लोगों ने पिछली बार गलती से केजरीवाल को वोट दे दिया था जिसकी वजह से 28 सीट आ गई। इस बार स्ट्रिक्टली हमने बल्क SMS के जरिए हमारे जो 8 लाख बापूजी के शिष्य हैं उनको SMS के जरिए हमने मैसेज दे दिया है कि एक भी वोट केजरीवाल को और कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ बीजेपी को और बांसुरी पर जाना चाहिए। ओके, बीजेपी ने आपको खड़ा किया है, कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस को वोट नहीं जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी का वोट जाना नहीं चाहिए, हाँ, बीजेपी ने आपको कितना पैसा दिया है ये इलेक्शन में लड़ने के लिए? देखिए मैं साधु हूँ, मैं एक नया पैसा आज तक, मैं पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले इंदिरा गांधी के घर में जब मैं रहता था मेरे कजन ब्रदर थे स्वामी जयंत ब्रह्मचारी, उन्होंने अरबों रुपये कमाए इंदिरा गांधी से, लेकिन आज भी सोनिया गांधी नहीं कह सकती कि एक नया पैसा भी मैंने उसके पार्टी से या उसके परिवार से लिया हो। मैं पैसे के लिए नहीं, मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ और केजरीवाल का विरोध इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल देशद्रोही है। जैसे कि आपने ये देखा कि हमने किताब लिखी हुई है अरविंद देशद्रोही केजरीवाल, और ये पिछले लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ किताब हमने पूरे इंडिया में बांटी थी, जिसकी वजह से केजरीवाल के हर जगह जमानत जब्त हो चुकी थी। ठीक है, हमने ये सुना कि आपने केजरीवाल को घर पे जाके मारा है। मैंने केजरीवाल को, मैं तारीख बता रहा हूँ, 21 जनवरी को केजरीवाल के घर में घुस करके हमने इसीलिए मारा। देखिए एक गलती मेरे से हुई, अन्ना हजारे से केजरीवाल को बॉम्बे में मैंने मिलवाया था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये देशद्रोही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास में सारे सबूत, इस पर हमने किताब लिखी, इस किताब की पहली कॉपी मैंने केजरीवाल के हाथ में मारने से पहले दी, उसको हमने कहा कि हमने तेरे खिलाफ ये तेरा मौत हमने लिख दिया है,
तुमको यदि इसमें से कोई एक भी बात झूठ लगे तो तुम हमारे खिलाफ मुकदमा कर लेना। आप बाबा हो, आप साधु हो, स्वामी हो, क्या आपको ये शोभा देता है कोई एक प्रत्याशी को मारना? ऐसा है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ और परशुराम ने 21 बार छत्रविहीन किया था। मैं घंटी बजाने वाला साधु नहीं हूँ, मैं देशद्रोही को मैं गोली मारता हूँ। समझ गए? केजरीवाल आईएसआई से मिले हुए, एक मिनट लीजिए, हमने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। हिंदू महासभा हमारी पार्टी है, नाथूराम गोडसे हमारे पार्टी के थे और चूंकि महात्मा गांधी ने देश का टुकड़ा किया था इसलिए हमने महात्मा गांधी को भी गोली मार दी। और आगे आने वाले समय में जो भी देश के खिलाफ काम करेगा उसको पहले प्यार से समझाएंगे, जैसे हम केजरीवाल को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा उसको भी हम गोली मारेंगे। ओके, हाँ तो आप एक आप देश का काम नहीं कर रहे हो। हिंदू महासभा ने मारी थी ना? पागल है क्या? पागल नहीं है, पागल नहीं है हम, ठीक है। देश के दो टुकड़े नहीं हो सकते।